चारवें पुष्प पर चलते हैं सिद्धि स्तोत्र के घोरांधकार नरक चंद्रवारणानी। श्री वासुपूज जिन दक्ष तवारणानी। मुक्ते भवंति भवसागर तारणानी। वाक्यानि चित्त भवसागर तारणानि। घोरांधकार नरक शतवारणानि। श्री वासुपूज जिन दक्ष तवारणानि। मुक्ते भवन्ति भवसागर तारणानि। वाक्यानि चित्त भवसागर तारणानि। घोरांधकार नरक शतवारणानि। वासुपूज जिन दक्ष तवारणानि। मुक्ते भवन्ति भवसागर तारणानि। वाक्यानि चित्त भवसागर तारणानि। बारहवें काव्य में आचार्य पूज्यपाद महाराज वासुपूज भगवान की स्तुति करते हुए यमक अलंकार से यहाँ पर चारों जो पद हैं उसके अंत में एक से शब्द हैं। इसके माध्यम से एक ही शब्द के माध्यम से अलग अलग अर्थ निकाल करके जहाँ स्तुति की जाती है वो यमक अलंकार में स्तुति कहलाती है। तो यहाँ कह रहे हैं घोरांधकार नरक शतवारणानि। जो घोर अंधकार से युक्त नरक होते हैं उनमें जो पीड़ित हैं उनकी पीड़ा को निवारण करने वाले हैं। फिर भगवान का नाम श्री वासुपूज जिन दक्ष, जिन तो सभी जिन्होंने कुछ जीता हो, मिथ्यात्व जीता हो, चौथे गुणस्थान से ऊपर के सारे जिन कहलाते हैं, और उनमें दक्ष यानी उनमें श्रेष्ठ, इसलिए जिनेंद्र भगवान के लिए इसमें संबोधन हो गया। फिर कह रहे हैं तब अरणानी, अरणानी का होता है जो कलह और विवाद से रहित होते हैं। मुक्ते ही भवन्ति, आपकी जो वाणी है वो मुक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए होती है। और भव सागर तारणानी, आप संसार सागर से पार करने वाले हैं। और वाक्यानी, आपके वचन, आपके वाक्य, चित्त भव सागर तारणानी यानी कामदेव की लक्ष्मी रूपी जो जहर है उसको दूर करने वाले हैं। ऐसे वासुपूज भगवान की स्तुति इस काव्य में की गई। तो कह रहे हैं कि भगवान आप जिन दक्ष हैं, समस्त केवलियों में मुख्य हैं, और आप कलह विवाद से रहित हैं, जो घोरांधकार से युक्त हैं, ऐसे नरक के जीवों की भी पीड़ा को निवारण करने वाले हैं, और आपकी वाणी कामदेव की लक्ष्मी रूपी जहर को उतारने वाली है, दूर करने वाली है, और साथ ही साथ में आपके वचन मुक्ति प्राप्ति के लिए होते हैं। नरकों में वैसे तो नारकी समो शरण में नहीं आते। कभी कभी जो लोग जिनालय समर्थ होने के बाद में भी नहीं आते उनके लिए कहते हैं कि तीन गति के जीव तो आ सकते हैं समो शरण में, लेकिन नारकी नहीं आ सकते। तो ये एक
प्रेरणा देने के लिए, उससे प्रेरणा प्राप्त करके सभी को जिनकी सामर्थ्य आराधना करने के लिए आना चाहिए। और जहाँ तीसरे नरक तक जो जीव रहते हैं उनको भी संबोधन देने के लिए कभी कभी देव भी पहुंच जाते हैं वहां पर। कभी कभी यानी बहुत विरलता है, ऐसा नहीं कि रोज, जैसे यहाँ पर एक समय होता है आप सब लोग एकत्रित हो जाते हैं सुनने के लिए, वहां तो कभी कभी यानी बहुत अंतराल के बाद में कोई जीव का पुण्य होता है, कोई संबंध होता है पूर्व का, तो वहां पर वो संबोधन करने के लिए कोई देव आ जाता है। जहाँ सीतेंद्र संबोधन करने के लिए गए हुए थे, सोलवे स्वर के देव जैसे जाते नहीं है, लेकिन क्वचित कदाचित कभी कोई चला जाए तो उसकी गिनती नहीं होती, और उन्होंने जाकर के वहां पर उनके लिए संबोधन दे करके और सम्यक दर्शन प्राप्त कराया था। ऐसे ही स्वयं आदिनाथ भगवान का जीव जब स्वधर्म स्वर्ग में था, और स्वधर्म स्वर्ग में जो देव होते हैं उनकी सामर्थ्य पहली पृथ्वी तक देखने की होती है, और जो उनका पूर्व का मंत्री था वो तीसरे या दूसरे नरक में था, तो उस समय में उन्होंने जो एक मंत्री केवली बन चुके थे उनसे पूछ करके और फिर जाकर के उनको भी संबोधन करने के लिए गए थे। जहाँ शांतिनाथ भगवान के जीवन का वर्णन आता है तो वो स्वयं ना जाकर के सुरवेश्वर के इंद्र थे, उन्होंने धर्णेन्द्र को संबोधन के लिए भेजा था, तो वहां जाकर के नारकी जीवों के लिए भी संबोधन के ऐसे आगम में जो वर्णन मिलते हैं उसके माध्यम से वहां के जीवों के लिए भी वो पीड़ा को निवारित करने वाले होते हैं। और तीसरे नरक से नीचे के जो जीव हैं उनके लिए वहां पर उपदेश के माध्यम से रुको, क्योंकि वो किसी का श्रवण ही नहीं करना चाहते किसी की बात को, वहां तो जो है और कलुषताएं रहती हैं। लेकिन फिर भी सप्तम नरक तक के नारकी सम्यक दर्शन से साथ हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी वेदना भी भोग के माध्यम से और जाति स्मरण के माध्यम से उनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने का बतलाया है। बल्कि यहाँ तक कहा है कि सप्तम नरक का नारकी अंतर मुहूर्त में पहुंचने के बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, और निकलने के अंतर मुहूर्त पहले तक सम्यक दृष्टि रह सकता है, क्योंकि वहां से निकलने वाले जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो इतने समय तक वहां पर वो सम्यक्त के साथ में यानी मन में वहां पर देव शब्द गुरु के प्रति सच्ची भक्ति को अपने दिल में सजो करके रख सकते हैं। बाहर तो वहां पर जो परिवेश है वहां कलह विवाद आदि चलती रहती है, तो ऐसा जो है नरक के जीवों के लिए भी भगवान की वाणी हितकारी होती है, भगवान उनका भी पीड़ा को निवारण करने वाले होते हैं। जब जन्म होता है तीर्थंकरों का तो तीनों लोक में थोड़ी देर के लिए शांति की आनंद की अनुभूति सभी जीवों को भी होती है। दूसरा इसमें जो विशेषण दिया है कि भगवान की जो वाणी होती है, जो कामदेव की लक्ष्मी रूपी जहर पने को दूर करने वाली होती है, काम वासना को दूर करने वाली होती है। भगवान के उपदेश को सुन करके, साधुओं के उपदेश को सुन करके मन के विकार दूर हो जाते हैं। जहाँ महावीर भगवान के समोषण का वर्णन पहले अपन ने देखा था, उसमें एक चंड प्रद्योत नाम का उज्जैनी का राजा, जो मृगावती जो कि भगवान महावीर की मौसी थी, उनके ऊपर मोहित था, और उनको प्राप्त करने के लिए उसने युद्ध भी किया, वहां उसके पति का देहांत तो हो गया, और उसने उस समय में अपनी रक्षा के लिए कहा कि अभी मेरी बना स्थिति, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यदि थोड़ा समय मिले तो मैं फिर आपको जो है स्वीकार कर सकती हूँ। तो उसने वहां पर उस बात को कि चलो तैयार है, भले आगे भविष्य में होगी, वो वापस चला गया। और यहाँ इन्होंने अपने जो चक्र था उसकी रक्षा के लिए कार्यक्रम किया, और बाद में जब उनका प्रस्ताव आया तो कहा रामगढ़ में मिलो, और
सेना लेकर के आता है और उसी समय में कौशाम्बी में भगवान महावीर का समो शरण आ जाता है। और जब चंड पृथ्वी तो समो शरण में जाते हैं तो उनके सारे विकार दूर हो जाते हैं। मृगावती भी वहां पर प्रस्ताव रखती है कि हम अब भगवान की शरण में जाते हैं, यानी दीक्षा को धारण करते हैं। तो उस समय में चंड प्रद्योत राजा कहते हैं कि आप सहर्ष दीक्षा को धारण करें, आपका पुत्र जो अभी छोटा है उसको हम संरक्षण देंगे जब तक कि वो राज्य करने के योग्य नहीं हो जाता। तो ऐसे भगवान की वाणी, भगवान का सानिध्य मन के विकारों को दूर करने वाला होता है। एक प्रसंग और पहले भी सुनाया था कि एक राजपुत्र किसी के प्रति मन में विकार भाव रख करके बढ़ रहा था और संध्या काल जिसमें कि रात्रि हो चुकी थी और मुनिराज ने जब उसको देखा तो महाराज ने वहां पर कहा मां गच्छ मत जाओ। तो उसने इस अंधेरे में किसकी आवाज आई और उसी समय में बिजली चमकती है और उसकी दृष्टि महाराज के प्रति जाती है और महाराज से जाकर के वो पूछता है कि आपने मुझे जाने के लिए क्यों निषेध किया है। तो महाराज उस समय में उसको बतलाते हैं कि तुम जिसके प्रति जा रहे हो वो तुम्हारी मां है, उस सुंदरी को तुमने वहां पर विकार की दृष्टि से देखा है वो तुम्हारी ही मां है। और जैसी अंजना की कथा थी वैसी ही कथा इसकी भी थी कि उसने अपने पति के वियोग में वहां पर उसके ऊपर लांछन लगा था और इसका जन्म हुआ। जन्म के बाद में एक श्वान उसको एक शॉल में वो लिपटा हुआ था और वो श्वान उसको उठा करके लेकर के चला गया, राजा के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार से वहां पर जब उसको ज्ञात होता है तो वो भी उस प्रकार से ऊपर उठ जाता है। तो ये भी प्रसंग अपन इसमें देख सकते हैं। और जो भगवान का स्वरूप है वो कलह विवाद से रहित होता है। साधु आदि भी कलह विवाद से रहित होते हैं, इन चीजों में रुचि नहीं रखते। जहां श्री राम की जब लक्ष्मण का निधन होने के बाद में जब उनको 6 माह बाद संबोधन प्राप्त होता है और वो वैराग्य को धारण करके दीक्षा लेकर के और गुरु के उपदेश से वो एकाकी विहार करते हैं और उस समय में एक नगर में उनका पदार्पण होता है। आहार के लिए 5 उपवास के बाद गए हैं और वहां सारे लोग बिल्कुल उनके सुंदर स्वरूप को, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनकी उम्र कितनी भी हो जाए 16 वर्ष के सुकुमार लगते हैं और उनको देख करके सारे नगर में खलबली मच जाती है। तब राजा अपने महल से देखता है, खूब सारी भीड़ एकत्रित हो रही है और वो पूछता है कि क्या हो रहा है। तो उस समय में के श्री राम मुनिराज जो पद्म मुनि कहलाते हैं, इसमें पद्म पुराण में उनको पद्म नाम दिया है, तो वहां पर उनको लाने के लिए राजा कहता है कि सम्मान के साथ में उनको अपने राजमहल में लेकर के आओ। और सैनिक वहां पर जाते हैं और उनसे महाराज से कहते हैं कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आप तो हमारे राजा के महल में चलो। और जो लोग पलायन कर रहे थे उनको सैनिकों ने एक तरफ कर दिया, उनके मन में वहां पर बलाल उत्पन्न हो गया उनके चेहरे देख करके। और उस समय में पद्म मुनि जंगल की ओर लौट जाते हैं और पुनः 5 दिन का उपवास धारण करके, और जब 5 दिन व्यतीत होते हैं तो उन्होंने मन में ठान लिया था कि नगर में ऐसी खलबली हो रही है, मैं कांतार चर्या करूंगा, यानी वन में ही आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा। और उस समय एक घटना घटी कि एक राजा अपने घोड़े पर जो कि कुप्रशिक्षित था वो उसको लगाम खींचते थे तो और ज्यादा भागता था, ऐसा जो है कोशिश की लेकिन वो नियंत्रण में नहीं आया और उसको जंगल में ले जाकर के एक सरोवर में पटक दिया। और इधर रानी उनकी खोज में गई हुई थी और वहां पर रानी ने वहां सब अपने जो उनका लश्कर था वहां पर भोजन आदि की तैयारी की और जब पद्म मुनि आहार को निकले उनको देख करके उन्होंने प्रणाम करके आहार दिया। तो ऐसी स्थिति जहां पर कलह विवाद से रहित होते हैं, इसी प्रकार से भगवान का भी जो स्वरूप होता है उनके सामने कोई भी जो है विवाद की स्थिति ही निर्मित नहीं होती,
बद्रीनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि वहां पर जो अन्य मत वाले होते हैं वो भी उनके सामने विवाद नहीं करते हैं, क्योंकि जहां प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, उनके सामने जो छदमस्त हैं वो वहां पर कैसे कोई अपनी बात रख सकते हैं, उनके सामने कैसे दुर्लभ कर सकते हैं। इसके बाद में फिर कह रहे हैं कि भगवान आपकी वाणी मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। वासुपुज भगवान की स्तुति है और वासुपुज भगवान के ही शासन काल की एक घटना पहले भी शायद आई हो कि जिसमें एक राजा पद्मरथ जिन्होंने छोटी अवस्था में राज्य पद को प्राप्त कर लिया था, पिता ने दीक्षा ली और छोटी अवस्था में राजा बन गए, लेकिन लोगों के साथ में रहने के कारण व्यसनों में लिप्त हो गए और मन में ऐसी जो है फितूरी आ गई कि लोग सुबह सुबह मंदिर में जाकर के समय बर्बाद करते हैं और उन्हें मंदिरों पर ताले लगवा दिए, साधुओं का आगमन वहां पर रोक दिया और सब लोग अपने अपने केवल अर्थ पुरुषार्थ का कार्य करें, ये धर्म पुरुषार्थ कोई काम का नहीं है, ऐसी वहां पर स्थिति बन गई और स्वयं व्यसनों में लिप्त थे। एक बार शिकार को गए और उस शिकार पर जो साथी थे वो सब पीछे छूट गए और एक खरगोश के पीछे, कोई शिकार मिला नहीं, एक खरगोश के पीछे वो अपने घोड़े को दौड़ाते रहे और वो खरगोश एक गुफा के अंदर घुसा। तो उन्होंने अपने घोड़े को वहां पर रोक करके कि अब कहां बच करके जाएगा और उसके पीछे पीछे जाते हैं तो उनको वहां पर गुफा के अंदर एक दिगंबर योगी ध्यानस्थ दिखाई देते हैं और उनके चेहरे पर परम शांति को देख करके और उनके आभा मंडल में जब प्रवेश करता है तो पहली बार उसको शांति की अनुभूति होती है और उनके तेज को देख करके जो कभी किसी के सामने झुका नहीं है वो राजा भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और टकटकी लगा करके उनके चेहरे को निहारता रहता है। गजब की शांति उसके लिए पहली बार अनुभूत हुई थी और वो उससे वंचित नहीं होना चाहता था, लगातार वो जो है देख रहा था, अनिमेष लोक नियम जैसी स्थिति उसकी थी। और उस समय महाराज अपने ध्यान से बाहर आते हैं और जब उनके नयन कमल खुलते हैं तो उस राजा को बड़े हर्ष की अनुभूति होती है कि जिनके प्रति हमने ऐसा सोच करके कि बड़े शांति से भरे हुए हैं, आज इनके कुछ वचनों को भी सुनने का लाभ मिलेगा। और जब महाराज देखते हैं तो वो दोनों हाथों से जोड़ करके अपने मस्तक को उनके चरणों में रख देता है, महाराज आशीर्वाद देते हैं और वो निवेदन करता है कि महाराज कुछ अमृत पान कराइए और महाराज इसको धर्म का उपदेश देते हैं। पहली बार जब वो उपदेश सुनता है तो सोचता है कि अभी तक मैं इस सब को निरर्थक समझता था, लेकिन इसके बिना जीवन क्या है, उस जीवन में तो केवल आपाधापी है, शांति का कोई नाम नहीं है, शांति तो इन्हीं के चरण में मिल सकती है। और उस समय वो कहता है कि भगवान आपकी इतनी मधुर वाणी सुन करके आज मेरा हृदय बहुत आह्लाद से भरा हुआ है, क्या इस संसार में आपसे भी कोई आपके जैसी कोई वाणी को सुनाने वाला है। तो उस समय में मुनिराज कहते हैं कि अरे भाई इस समय तो तीर्थंकर का शासन काल चल रहा है, वो तीर्थंकर स्वयं विद्यमान है, वासुपुज भगवान अभी चंपापुर में विद्यमान है। और उस समय में महाराज अपनी लघुता बताते हुए कहते हैं कि यदि वो मेरू के समान है तो मैं एक सरसों के दाने से भी तुच्छ हूं, अपनी लघुता बताते हैं। और वो कहता है कि मैं उनके दर्शन करने जाऊंगा। महाराज कहते हैं कि जब किसी को पता पड़ जाए तो अवश्य ही दर्शन करने जाना चाहिए। और वो वहां से लौट करके
अपने राज्य में वहां पर कहता है कि मैं चंपापुर की नगरी में भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है और उस समय में दो देव भी वहां पर सुन करके कि ये तो बड़ा नास्तिक था, आज इसके मन में कहां आस्था के भाव आ रहे हैं और उसकी परीक्षा की कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही कुछ मन में भाव हो गए, इसमें दृढ़ता है कि नहीं, और उस समय में उसकी परीक्षा करते हैं। उनके सिंहासन के ऊपर जो छत्र लगा हुआ है वो छत्र टूटना दिखाते हैं, कहीं आग लगती हुई दिखाते हैं, कहीं पर जब रास्ते में चलते हैं तो बहुत तीव्र जो है पानी की बरसात होती है, चारों ओर दलदल ही दलदल, निकलने का रास्ता नहीं, एक हाथी तक फंस गया है, ऐसे सारे वो वहां पर बताते हैं। लेकिन वो तो श्री वासुपूज्याय नमः कह करके राजा बस आगे बढ़ना है, उनके दर्शन करना है, और उस समय में देखते हैं कि सच्ची आस्था लेकर के ये बढ़ रहा है, तो उनकी प्रशंसा करके उनका सम्मान करके वो देव चले जाते हैं और वो शीघ्रता से उनके समो शरण में पहुंचता है और वहां पर जाकर के बड़े हर्षित होकर के देवाधिदेव वासुपूज भगवान के दर्शन करता है, वंदना करता है, आराधना करता है। और जब उनकी वाणी सुनता है तो बस एक बार की वाणी सुनकर के ही उसको सारे बंधन निरर्थक लगने लगते हैं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होकर के भगवान के चरणों में समर्पित होकर के दीक्षित हो जाता है। और थोड़े ही समय में विशुद्धि का ऐसा परिणाम कि अवधि ज्ञान से भी युक्त हो जाते हैं और साथ साथ में फिर मन है पर्याय ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है और भगवान के गणधर्मों में उनकी गिनती होने लगती है। और थोड़े ही समय में वासुपूज भगवान के निर्वाण के पहले ही उन पद्मरथ राजा ने जो अभी तक नास्तिक थे भगवान की वाणी सुनकर के मुक्ति का पान कर लिया। तो ऐसी भगवान की वाणी होती है, इस काव्य में इसी बात को लिखा है कि जहाँ भगवान की वाणी सारे विकारों को दूर करने वाली है, नारकी जीवों के लिए भी सुख देने वाली है और जो कलह और विवाद से रहित होते हैं, धार्मिक कार्यों में भी विवाद से बचना चाहिए। एक जयसेन स्वामी की टीका और एक ब्रह्मदेव सूरी की टीका जो परमात्म प्रकाश और त्रिवृत्त दंड संग्रह में उनकी टीका है, वहां पर उन्होंने कई बार इस बात को लिखा कि विवादो ना कर्तव्य है, विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाद करने से राग द्वेष होते हैं और राग द्वेष होने से पाप का ही बंध होता है, इसलिए धार्मिक क्षेत्रों पर विवाद से बचने की प्रेरणा उन्होंने कई जगह पर दी। तो ऐसे भगवान के स्वरूप का अपन पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। घोरांधकार नरक शतवारणानी, श्रीवासुपूज जिन दक्ष तवारणानी, मुक्त्यै भवन्ति भव वक्यानि चित्त भव सागर तारणानि, हे जिनेन्द्र श्री वासुपूज जी भव सागर से तारक हो, घोर अंधेरे पीड़ा के निवारक हो, कलह विषाद रहित हो भगवन, रतिपति के विष को हरते, वाक्य आपके महामनोहर मुक्ति पद में झट धरते, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे
और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लती रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंता मणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।